नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, विशेषकर उन फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए जिन्होंने जस्ट किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोर्स किया है और कंपनी में जॉब की शुरुआत कर दी है, या फिर वो अभी भी किसी इंस्टीट्यूट में टेली जैसे प्राइम सॉफ्टवेयर का कोर्स सीख रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारे फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों का ये मेरे पास कमेंट आ रहा था भी सर, हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में खुद की कंपनी का अगर हमें जीएसटी नंबर डालना हो तो वो हम कहाँ लिखते हैं, यानी कि जब हमने खुद की कंपनी क्रिएट कर ली तो हमें खुद की कंपनी का जीएसटी नंबर कहाँ डालना होता है। कस्टमर का तो जब हम लेजर क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त ऑप्शन आ जाता है, लेकिन टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में खुद की कंपनी का ही जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और ये सेम प्रॉब्लम काफ़ी सारे अकाउंटेंट लोगों को बीजी सॉफ्टवेयर में भी आ रही है। तो विशेषकर ये काफ़ी सारे जो कमेंट आ रहे थे उसमें ज़्यादातर वो फ्रेशर अकाउंटेंट लोग ही थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से करके बताएंगे कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमारी खुद की कंपनी का जीएसटी नंबर किस तरीके से लिखना होता है और कहाँ लिखना होता है, और बिजी सॉफ्टवेयर में हम किस तरीके से खुद की कंपनी का जीएसटी नंबर है जो पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को प्रैक्टिकल तरीके से बनाने के लिए हमारे पास एक वाउचर है जो कि आप देख सकते हो दुर्गा ट्रेडर्स का, और हमने इसी को एग्जाम्पल मानते हुए जीएसटी नंबर को पोस्ट करना सीखेंगे। अब हम ये मान के चलेंगे कि जो दुर्गा ट्रेडर्स का ये जो टैक्स इनवॉइस है ये हमारी कंपनी ने कस्टमर को दिया है, यानी कि दुर्गा ट्रेडर्स हमारी खुद की कंपनी का नाम है और हमारी जो कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो ये होगा, और उसके बाद में जो हमारा कस्टमर का है ये हमारे कस्टमर का जीएसटी नंबर हम यहाँ लिखते हैं जब हम कस्टमर की डिटेल लिखते हैं। तो अब हमें बात आती है इस दुर्गा ट्रेडर्स का जो हमारी खुद की कंपनी का ये जो जीएसटी नंबर है ये हमें टेली सॉफ्टवेयर में कहाँ लिखना है और बिजी सॉफ्टवेयर में किस तरीके से लिखना है। तो शुरुआत करते हैं हम टेली सॉफ्टवेयर से। तो सबसे पहले अगर आपके पास कंपनी ऑलरेडी क्रिएट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रिएट भी कर सकते हो। जैसा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरी कंपनी को ओपन कर लेता हूँ, तो जैसे ही आप कंपनी क्रिएट कर लोगे, क्योंकि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्या होता है जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसा कि हम यहाँ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हमें किसी भी टाइप का कोई ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देता हमारी खुद की कंपनी का जीएसटी नंबर डालने के लिए। तो हमें टेली सॉफ्टवेयर में कहाँ डालना होता है, टेली की कंपनी हमने क्रिएट कर ली, जैसे ही हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो इस गेटवे ऑफ टेली के ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर इस कंपनी के ऑप्शन पर जाना है और आपको इस फीचर्स पर क्लिक करना है, या आप शॉर्टकट F11 भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर टैक्सेशन का, और टैक्सेशन के ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो आएगा जीएसटी का। तो आपको इस जीएसटी के ऑप्शन को इनेबल करना है, अगर आपके पास नो है तो आपको यस करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ आपसे पूछा जाएगा इस ऑप्शन के अंदर, यानी कि जो हमारे पास ये जो जीएसटी नंबर हमारी खुद की कंपनी का जीएसटी नंबर है ये नंबर हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इस यहाँ तक ये सब कुछ प्रोसेस करने के बाद आपको इस ऑप्शन में यहाँ पर लिखना होता है, क्योंकि हर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक अलग अलग हिसाब होता है। कोई कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी नंबर देना होता है, किसी सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते वक्त साथ के साथ ही जीएसटी नंबर हम दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में खुद की कंपनी का जीएसटी नंबर प्रोसेस करने का। अब हम बात करते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में। तो बिजी सॉफ्टवेयर में जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी के ऑप्शन पे जाते हैं, क्रिएट हम कंपनी कर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया ये दुर्गा ट्रेडर्स का नाम वगैरह सब कुछ आपको मेंशन यहाँ पर कर लेना है, आपका स्टेट वाइज सब कुछ फिलअप कर देना है, देन आपसे खुद की कंपनी का जो जीएसटी नंबर है उसका ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आएगा जीएसटी नंबर। तो खुद का नंबर जैसे हम एंटरप्राइज करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, सब कुछ हमारा एड्रेस वगैरह डेटा स्लिप करते हुए, तो यहाँ जीएसटी नंबर आ जाएगा, और उसके बाद में आपकी कंपनी का ये जो जीएसटी नंबर है उसको जीएसटी नंबर को हम यहाँ पर बिजी सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो था हमारा बिजी सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते वक्त, और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम कंपनी क्रिएट करने के बाद में हम डाल सकते हैं। तो
तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।